एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी। यहाँ क्या है, भारत के अंदर एक परंपरा सी पड़ गई कांग्रेसी सरकारों में और अन्य सरकारों में। पहले भारत का जो बहुसंख्यक वर्ग है हिंदू वर्ग, उसके देवी देवताओं के खराब चित्र बनाओ, जैसे एक वो पेंटर था, क्या नाम था उसका, मकबूल फिदा हुसैन जी, मर गया आप तो वो बड़े पेंटर थे, हैं बहुत बड़े पेंटर। हाँ, बड़ा बड़ा आदमी चरित्र से बनता है, ये अच्छी चार पेंटिंग बनाने से बड़ा नहीं बनता है। दूसरे देवी देवताओं के आप नग्न चित्र बनाओगे और बड़े, हिंदुस्तान का बहुसंख्यक वर्ग तो उसे बड़ा नहीं मानता है, बड़ा मानते रहे कुछ कुछ चुनिंदा लोग। तो कुल मिलाकर उसने चित्र बनाया। ऐसे ही भारत के अंदर भारत की संस्कृति के बारे में उल्टा सीधा पिक्चर में फिल्मांकन करो और उसके बाद माफी मांग लो। अभी तांडव वाले भी माफी मांग रहे हैं सब, जब उनको लग रहा है कि बहुसंख्यक वर्ग आक्रोशित हो रहा है, प्रतिक्रिया कर रहा है, किसी दिन मिलेगा तो कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, तो अब माफी मांगना शुरू करते। यानी पहले आप, अरे भाई जिस देश में, जिस देश का बहुसंख्यक वर्ग है, उस बहुसंख्यक वर्ग का क्या सम्मान नहीं होना चाहिए क्या? बहुसंख्यक होना क्यों गुनाह है क्या? बहुसंख्यक होना गुनाह है क्या? और मैं आपको वीरेश जी बता रहा हूं, ये हिंदुस्तान तभी तक सुरक्षित है जब तक बहुसंख्यक वर्ग सुरक्षित है। जिस दिन इस देश में, हिंदुस्तान में बहुसंख्यक कमजोर हो जाएगा, ये हिंदुस्तान सुरक्षित नहीं रह पाएगा। एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।